नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कांग्रेस आज पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा को एक मिसाल बनाने में लगी हुई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी व कांग्रेस के दिग्गज जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिन में 3550 किलोमीटर की दूरी को तय करने, रोजाना 50 किलोमीटर चलकर युवाओं व लोगों को इस यात्रा के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में विधायक, छत्तीसगढ़ संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी कांग्रेस कमेटी व कार्यकर्ताओं के साथ लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर लोगों को चौक चौराहों पर जागृत कर रहे हैं कि किस प्रकार भाजपा सरकार कालाबाजारी व बेवकूफ बनाकर देश में सरकार चला रही है। नोटबंदी और जल्दबाजी में GST लागू करने से अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है और देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई। नोटबंदी और GST ने देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। भारत के इतिहास में पहली बार किसानों पर कर लगाया जा रहा है। उर्वरक और दैनिक उपभोग की हर दूसरी वस्तु पर GST लगाई जा रही है। जनता के लिए समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। भाजपा सरकार केवल 2 व 3 उद्योगपतियों को शरण देकर पूरी पूंजी को हड़पने में लगे हैं और भाजपा सरकार लोगों को तोड़वाने का काम करती आई है। पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व युवाओं के प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी के मार्गदर्शन में दिशा में आज कांग्रेस कमेटी ब्लॉक के पदाधिकारी गांव गांव गली मोहल्ले में लोगों को जोड़ने का काम कर रही है और संदेश दे रही है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम करती आई है। संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, आपकी चुनी हुई भूपेश सरकार, आप लोगों के हित में काम कर रही है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है व मूल कार्य किसानी है और फसल है। पर भाजपा की सरकार धान की कीमत मूल्य 2100 देने का वादा किया था पर 1700 देकर बेवकूफ़ बनाया। बोनस 5 साल देने का वादा किया पर किसान बेवकूफ़ बनते गए। पर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों का ऋण माफ़ कर 2660 रुपये धान का मूल्य और बोनस को दे रहे हैं और किसानों के पास धान के अलावा आय का साधन नहीं है। गोबर को भी गौठान में लेकर वर्मी कंपोस्ट की कमी को पूरा कर रहे हैं। रासायनिक हानिकारक खाद को दूर कर गोबर से आय का साधन बनाकर लाभ अर्जित करवा रहे हैं। आज भूपेश सरकार की ख्याति छत्तीसगढ़ ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पारंपरिक लोक त्यौहार और व्यंजन को एक मिसाल बनाया। संसदीय सचिव ने कहा कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ता रोजाना 20 किलोमीटर पैदल गांव गांव चल रहे हैं और भूपेश सरकार जो किसानों के हित में, युवाओं के हित में, बेरोजगारों के हित में कार्य कर रही है, जैसे भाजपा सरकार 15 साल इस छत्तीसगढ़िया लोगों को बेवकूफ़ बनाकर परिवारवाद को बढ़ावा देकर लोगों को छला है और जगह जगह जमीन और संपत्ति बनाकर आलीशान जिंदगी जीने में बस रहे हैं। ये वही भाजपा सरकार है जो 500 रुपए की मोबाइल को 4500 में, 20 रुपए की टिफिन को 200 रुपए में और नोटबंदी में 15 लाख देने का वादा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी का वादा पूरा ढकोसला साबित हुआ। ताली थाली घंटा और दिया जलाने का ढोंग रचकर लोगों को और भारतवासी को बेवकूफ़ बनाकर समय बर्बाद करने में लगवाया। पर भूपेश सरकार ने महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमल कर ताली बजाने की बजाय मनरेगा में लोगों को गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से हाथों को काम में लगवाया व थाली बजाने के मिथक को तोड़ लोगों को 2 महीने का राशन फ्री में लगातार राशन की पर्याप्त मात्रा में दिलवा रहे हैं। और भाजपा के दिया जलाओ की मिथक झूठ को भूपेश सरकार ने युवाओं को, जवानों को 14,500 नौकरी दिए और 15,000 अन्य विभागों में नौकरी दिए, जो रमन सरकार शिक्षाकर्मी को मात्र कर्मी बताकर बेवकूफ़ बनाने में लगी थी। पर भूपेश सरकार ने सभी को नियमित कर एक इतिहास बनाया और 2004 से पेंशन योजना को अटल बिहारी ने खत्म कर दिया था। उसे भूपेश सरकार ने चालू कर गरीबों को पेंशन दिलवाकर गरीबों की आंखों में खुशी लाए। संसदीय सचिव ने कहा कि हम सभी जिला मोहला क्षेत्रवासी भूपेश बघेल को मरते दम तक नहीं भूलेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मोहला को जिला व औंधी और खड़गांव को तहसील का दर्जा देकर इस दूरस्थ वनांचलों में करोड़ों की सौगात देकर विकास की गंगा बहा दी, जिससे क्षेत्र में विकास ही विकास दिखाई दे रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राशन व हर गांव की कच्ची सड़क को डामरीकरण कर रोड से जोड़ा जा रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनाकर भूपेश सरकार मुख्यमंत्री बनकर एक मिसाल कायम करेंगे। यात्रा हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 7 सितंबर से कन्याकुमारी से काश्मीर तक यात्रा है, जिसमें 150 दिन रहेंगे और 3550 किलोमीटर लगभग रोज, मतलब पूरा चलेंगे 150 दिन में। उनका सोच ये है कि हमारे पूरे दिलों को, जितने भी भारत में निवास करते हैं, सबको दिलों को जोड़ना है, ना कि तोड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी सबको तोड़ने का काम कर रही है, पर कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद से सभी को जोड़ने का काम कर रही है। उसी के तारतम्य में हमारे विधानसभा मोहला मानपुर विधानसभा में भी माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे पूरे पार्टी के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण और हमारे जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता सभी रोज चल रहे हैं और हर गांव में संदेश दे रहे हैं कि हमारा जो सरकार
आप लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हम लोगों के हित में लगातार काम कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से हमारा प्रदेश पूरा किसानों का प्रदेश है और मुख्य फसल है धान। धान का कीमत पहले जो सरकार थी 2100 रुपये दे की बात किए थे, पर 1700 रुपये दे के सबको बेवकूफ़ बनाए थे। बोनस 5 साल देने के बाद किए, फिर सबको ठगे थे, छलावा किए थे। पर हमारी सरकार आने के बाद 2660 रुपया दे रहे हैं और उनका कर्जा भी माफ़ किए। ऐसा सोच वाले मुख्यमंत्री जो पूरा देश में नहीं पूरा विदेश में भी एक अपना पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ा रहे हैं और किसानों के पास धान के अलावा अन्य आय का साधन कुछ नहीं रहता, जिसमें उनके किसानों के पास गाय गोबर भैंस रहता है, उनको गोबर को भी गौठान में ले रहे हैं और गोबर को लेने के बाद उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं और पूरा उन्हीं को उनके खेत में भिजवा रहे हैं। और जबकि रासायनिक खाद लेंगे तो रासायनिक खाद हमारे लिए नुकसानदायक है, जिससे बीमारी भी फैलती है, और वर्मी कंपोस्ट खाद डालने से बीमारी नहीं फैलेगी और हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। इसी के कारण हमारा भारत जोड़ो यात्रा हमारे क्षेत्र में लगातार चल रही है, रोज़ 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की यात्रा चल रही है। और हम सभी को बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार आप लोग चुने हों जवानों के हित में, किसानों के हित में, भूमिहीन कृषकों के हित में और मजदूर वर्ग के हित में वो काम कर रही है, जिसमें भूमिहीन जितने भी साथी हैं उनको भी 7000 रुपये सालाना दे रहा है। सर जी, ऐसा क्या कारण है कि 15 साल सत्ता सरकार में काबिज होने के बाद आज भाजपा बखलाहट हो गई है, बखला गई है और केंद्र से ईडी की छापा मार करके उसे भूपेश सरकार को गिराना चाहती है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? भाजपा वाले सिर्फ डरा धमका के काम करते हैं। पहले भी हमारे क्षेत्र में डरा धमका के छोटे छोटे जितने लोग थे, जिनके पास साइकिल नहीं थी, वो पूरा ट्रक बोलेरो बड़े बड़े मर्सिडीज के मालिक हो गए हैं। और हमारे कांग्रेस के लोग ये सब काम नहीं करते, लूट खसोट का काम नहीं करते। इनका काम पूरा वैसी काम है, लूटने का काम है, जिसमें मोबाइल में लूटे, जो 500 रुपये का मोबाइल है उसको 4500 में खरीदे, 50 रुपया टिफिन उसका 200 रुपया में लिए, वैसे नोटबंदी GST 15 लाख देने का वादा किए थे उसमें भी ठगे, 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे उसमें भी ठगे, ऐसे पूरा ठगो ऐसा झूठा बेवकूफ़ बनाए पूरे गांव वाले शहर वालों को, ताली बजाओ थाली बजाओ और दिया जलाओ। ताली बजाने से भी कुछ नहीं मिला, पर उसी समय हमारा मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी उसी थाली को मनरेगा के तहत काम दिए, थाली भी बजाए कुछ भी नहीं मिला, पर उसी थाली में हमारा मुख्यमंत्री पहली साल 2 महीने का राशन मुफ्त में दिए और अभी सितंबर तक के और मुफ्त मिला है, अभी और मुफ्त में दे रहा है। सर जी, रमन राज में पूरी परिवारवाद थी, मगर भूपेश सरकार के आते ही हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पारंपरिक लोक त्यौहार एक मिसाल कायम कर दी। आने वाला समय भूपेश सरकार का रहेगा, आपकी उसमें भी क्या भूमिका रहेगी मोला क्षेत्र से? भूपेश सरकार की देन हमारे जीवन भर कोई भूलेंगे नहीं, मरने के बाद भी दूसरे उसको याद करते रहेंगे जो सौगात दिए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे मोहला मानपुर चौकी को जिला का दर्जा दिए और औंधी और खड़गांव को तहसील का दर्जा दिए, और इतने सारे काम इस क्षेत्र में हुआ है जो आज तक के 75 साल में नहीं 72 साल में नहीं हुआ था, वो काम अभी हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं। और भूपेश जी ऐसे शख्स हैं जो हर वर्ग को सोचते हैं, किसानों को, जवानों को, जवानों को भी 14500 शिक्षक से नौकरी दिए, लगभग 15-20 हज़ार अन्य विभागों में नौकरी दिए, अभी 14000 और नौकरी दे रहे हैं। और पूर्व में रमन सरकार द्वारा जब सभी के साथ छलावा किए, शिक्षा कर्मियों को कर्मी के रूप में रखे, पर हमारा सरकार आने के बाद सबको नियमित किए और वो पेंशन योजना ख़त्म कर दी थी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसको भी लागू करके अभी उनके घर में रिटायरमेंट के बाद भी एक निश्चित अमाउंट उनके घर में जाएगा, जिससे उनके घर में खुशहाली आएगी, सब अमन चैन से रहेंगे। जो रमन सिंह ने कभी नहीं किया था वो भूपेश बघेल ने, सर जी, और संस्कृति को भी यहाँ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसमें रोटी ठेठरी खुरमी सभी को बढ़ावा दिए हैं, जिससे बड़े बड़े दुकान भी खुल रहे हैं। गढ़ कलेवा के रूप में रायपुर में एक ऐसा जगह है वो सभी जिला में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 100 रुपये में भरपूर थाली, जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो त्यौहार में खाते हैं।